आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा पुलिस लाइन में चल रहे शिविर में शनिवार को विभिन्न थानों के पुलिस कर्मियों और महिला रिक्रूट प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिदिन की दिनचर्या में भाग दौड़, भारी भरकम कार्यों के बाद होने वाले तनाव को दूर कर अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयोजित योग शिविर में भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे और तनाव से मुक्ति पाने के लिए आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, विभिन्न व्यवसायों से छुटकारा, तत्परता और आपसी भाईचारे में बढ़ोतरी लाने के लिए जरूरी अभ्यास किए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग के मीडिया संयोजक आशीष छापड़िया ने कहा, तो इसको करने के बाद फिर नए लोग, फिर अगला बैच भी होगा। एसएसपी सर का कहना है कि हम दोनों तो आप निश्चिंत रहिए, कोर्स होगा और आप सबको आना है। आप लोग अपना कमिटमेंट लीजिए कि टाइम से कल और रिलीज होना है, तो खूब पानी पियेंगे, कम जितना जरूरत लगे उतना ही बोलेंगे और अपने साथ आएंगे। हर संडे जो हमारी क्लासेस और करेंगे, जिससे आप लोग इसको कंटिन्यू कर पाए और डेली लाइफ में भी करें। अगर होता है बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, कल हम आकर के अपनी क्रिया यहाँ पर पूरी करेंगे। सुबह सुख अच्छा बताए, सुबह शाम सुबह शाम और जिसे हमने याद रखना है, ठीक है। आप लोग बोलिए, हम लोग नहीं बोलेंगे। आप लोग बोलिए, इधर भी कोई आप नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में सोचिए और सोच और अपने मन को ऑब्जर्व करें कि हमारा बारे में सोचिए जिन्हें आप स्वीकार कर पा रहे हैं, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं। बताते जाए इतने लोग हैं, सबके मन में कुछ अलग भी हो सकता है ना। सब लोग बताएं जिन्हें आप स्वीकार कर पा रहे थे उनके लिए कैसी भावना आ रही थी। और बताते जाए इधर इधर, बताइए सब लोग। उस तरफ नहीं जाना चाहते थे, परिस्थिति जैसी भी है वैसी स्वीकार कर। आप लोग बोले, भैया लोग आप लोग भी बोले, ठीक है, तो उनके ऊपर एहसान कर लिए। नहीं, ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। हेलो, तो बोले हाँ, आप चोरी कर लीजिए और चले जाइए। नहीं, ऐसी परिस्थिति में हमें शांत मन रखना है। शांत मन रहेगा तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे सेफली हम अपना जो भी अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो यहाँ बोला गया है कि व्यक्ति और परिस्थिति दोनों को स्वीकार करना है। जैसे मान लिया चोर घर में आया, तो उस परिस्थिति को आपको स्वीकार कर लेना कि हाँ, घर में चोर आ चुका है। जैसे टीवी देखते हैं ना, टीवी में चैनल, स्पोर्ट चैनल आता है, तो भक्ति चैनल आता है, ढेर सारे चैनल आते हैं। तो ऐसे ही हमारा मन है, जब कोई किसी को कोई काम कराना होता है, वो आपकी चार बातें करेंगे, आप खुश हो जाएंगे और उनका काम तुरंत हो गया। अगर दुखी करना है, कोई एक बटन दबाएंगे, कुछ ऐसी बात कर देंगे, आप दुखी हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपने रिमोट को अपने हाथों में रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी की सुनेंगे नहीं, सुनेंगे उन लोगों के विचारों को सुनेंगे, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसे माफ करना है। अगर हम अपने आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं ना, तो जैसे हम अपने को माफ करें वैसे हमें दूसरों को भी माफ करना ही है, तभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। कोई चाहता है क्या गलत करना? हो सकता है कोई पीछे का ऐसा तनाव हो, कुछ ऐसे प्रतिरोध रहे हो जिससे उसे गलती हो गई। तो जैसे हम अपने को माफ करते हैं वैसे हमें दूसरों को भी माफ करना है। मैं आशीष छापड़िया, आर्ट ऑफ लिविंग का मीडिया संयोजक पूर्वी उत्तर प्रदेश का, और हमारे कप्तान शलभ माथुर जी के इच्छा से, उनके प्रयासों से ये संभव हुआ। हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का मानना है कि आज के जीवन शैली में पुलिस कर्मी सबसे ज़्यादा परेशान और चिंतित हैं, अपने घर की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया समाज की देखभाल करने के चक्कर में। तो उसी क्रम में यहाँ पुलिस लाइन में गोरखपुर में
पुलिस कर्मियों को हैप्पीनेस कोर्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सुदर्शन क्रिया के माध्यम से ये अपने अंदर की नकारात्मकता को निकालेंगे और अधिक क्षमता के साथ कार्य करेंगे। इससे इनके मन आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और ये सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे।